जिसकी आलोचना करने के लिए हम स्वतंत्र नहीं हैं, उस दल को, उस संगठन को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। परिवार जितना सहायक होता है उतना ही व्यक्ति के विकास में बाधक भी होता है। जिस समय वो लिख रहा होगा सबसे अच्छी कविता, ज़रूर होगा उस समय वह सबसे अच्छा आदमी। ये सबसे अच्छी कविता क्या होती है, क्योंकि इसका तो कोई पैमाना है ही नहीं, और सबसे अच्छा आदमी फिर वो कैसे होगा? आपका सवाल तो बहुत गहरा और मुश्किल है। पयोधर मेरे मन में आया नहीं था, मेरे मन में बार बार स्तन शब्द आ रहा था। कविरेव प्रजापति ही आनंदवर्धन कह रहे हैं, कवि ही प्रजापति है, वही ब्रह्म है। आप भी यही मानते हैं कि कवि रचना से ऊपर रहता है? किसी आदमी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता अगर वो पराधीन है। एक शब्द का जिक्र बार बार आता है कि मैं जीवन भर तटस्थ रहा। आदमी तटस्थ कैसे रह सकता है जीवन भर? कवि तो हमेशा जो सताए हुए लोग हैं उनके पक्ष में होता ही है। पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा, और आपने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मैं इन तीनों से बंधा रहा हूँ। वित्तेष्णा से तो बहुत ही कम। ये उचित नहीं है कि सारे संसार को ब्लैक एंड व्हाइट में बांट देना, सर्वहारा और बुर्जुआ। नहीं, कल्पना तो होनी ही चाहिए। नहीं, कल्पना वो तो तुलसी के राम राज्य में भी, लेकिन उसके लिए हम वर्तमान को एकदम न्यौछावर कर दें। साहित्य अकेडमी की अन्य संस्थाओं की तुलना में स्वायत्तता बची हुई है। आपसे जुलूस में भाग ले रहे तमाम लेखक मिलना चाहते थे, अकादमी के गेट पर ताला लगा हुआ था, ताला नहीं खोला गया। एक वाक्य भी किसी ने पुरस्कार वापस करने के पहले मुझको फोन तक नहीं किया था कि मैं पुरस्कार वापस कर दूंगा अगर आप ऐसा नहीं करेंगे। जब से ये लेखक संगठन बने हैं, दुनिया भले न बदली हो, ये भी मेरा वाक्य है, लेखकों के संबंध बदल गए हैं।